नमस्ते सभी को। ये कुंडी सोटा है जो हमने राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट से बनवाया है। ये बड़ी कुंडी है, ये छोटी कुंडी है और ये शीशम की लकड़ी है। बड़ी कुंडी में आप कोई भी बादाम का दूध, कोई भी भीगे मेवे का दूध, उसका ड्रिंक या ठंडाई भी बना सकते हैं। छोटी कुंडी में आप ड्राई चटनी या कोई भी चटनी पीस सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बादाम का दूध कैसे बनाए। बादाम के दूध के लिए हमने रात भर भिगोई हुई बादाम ली है, देसी शक्कर ली है और 2 ग्लास दूध लिया है। अब हम बादाम को कूटने के लिए बाउल में डाल देंगे, कुंडी में डाल देंगे। करीब 10 मिनट के बाद ये ऐसा फाइन पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे और भी फाइन कर सकते हैं। मिक्सी में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा फाइन पेस्ट करते हैं मिक्सी में तो वो कड़वा भी हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। इसमें हम जितना पीसेंगे उसका टेस्ट भी बढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स भी बने रहते हैं। ये दूध हम बच्चों को दे सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए, हाइट के लिए बहुत अच्छा है। हम ऐसे कुंडी सोटे में ठंडाई भी बना सकते हैं, होली के दौरान पी सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है होली के दौरान ऐसे दूध पीने से। पूरा दूध डाल देंगे। शक्कर डाल देंगे। ये स्मूथ पेस्ट बन जाता है इसलिए इसे छानने की भी जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट पी सकते हैं। ये बादाम का दूध अब रेडी है। हम इसे मिट्टी के ग्लास में सर्व करेंगे जो हमने राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट से ही मंगाया है। थैंक यू।